आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। भारत ने पाकिस्तान से कहा आतंकी हाफिज सईद पर मुकदमा चलाए। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो 2008 के मुंबई हमले के मामले की फिर से जांच कराए और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद पर आतंकवादी विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाए। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की ओर से 24 भारतीय गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए भेजने का आग्रह किए जाने के जवाब में नई मांग की है। अधिकारी ने कहा कि हमें अपने पत्र के जवाब में भारत सरकार से जवाब मिला है, परंतु हमारे आग्रह पर तवज्जो देने के बजाय भारत ने मामले की फिर से जांच की है और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर लश्करे तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी पर मुकदमा चलाने की भी मांग की है। पाकिस्तान सरकार ने 30 जनवरी को सईद और जमात उद दावा एवं फलाह इंसानियत के 4 नेताओं को नजरबंद कर दिया था। मुंबई हमले के बाद भी सईद को नजरबंद किया गया था, लेकिन 2009 में अदालत ने उसे रिहा कर दिया। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए भारतीय गवाहों के बयान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर सबूत हो तो पाकिस्तान को मुंबई हमले के किसी भी संदिग्ध पर मुकदमा चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद हाफिज सईद का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चलते उसे नजरबंद करने को पाकिस्तान पर दबाव की बात कही थी। 2008 में मुंबई में कई स्थानों पर हुए धमाके में 166 लोग मारे गए थे। इस हमले को 10 लश्कर आतंकियों ने अंजाम दिया था। इनमें से 9 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था। कसाब को इस मामले में फांसी पर लटकाया जा चुका है। और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने आतंकी समूह बनाए, ये राक्षस उसे ही खा रहा है भारत। अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पाएंगे बच्चे और बुजुर्ग। भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए वीजा नियमों में ढील देगा इजराइल। विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा वामपंथियों की साजिश है भैया जी जोशी। और कानपुर ट्रेन हादसे पर देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कहा कांग्रेस ने।